भिंड से गोहद अस्पताल गेट पर प्रसूता ने दिया बच्चे को जन्म। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भिंड से गोहद अस्पताल के गेट पर प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया है। जननी एक्सप्रेस के नहीं मिलने पर बाइक पर बैठकर अस्पताल पहुंची थी प्रसूता। डॉक्टर्स ने प्रसूता को भर्ती नहीं किया। सूचने मिलने पर मंत्री लाल सिंह आर्य मौके पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रसूता ने गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। इसकी सूचना मिलने पर मंत्री लाल सिंह आर्य मौके पर पहुंचे, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भिंड से बड़ी खबर, जननी एक्सप्रेस के नहीं मिलने पर बाइक पर बैठकर अस्पताल पहुंची थी प्रसूता। इस वक्त की बड़ी खबर, गोहद अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया प्रसूता ने। भिंड में इस वक्त की बड़ी खबर, गोहद अस्पताल के गेट पर प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया है। और हमारे संवाददाता योगेश चौधरी भिंड से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। योगेश, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जननी एक्सप्रेस का समय पर लाभ नहीं मिला। जननी एक्सप्रेस में फोन लगाने के बाद भी बार बार फोन लगाया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यस्तता है, टाइम नहीं है। उसके बाद महिला को प्रसूता को ले जाया गया, गोहद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। और उसके बाद जब भर्ती के लिए डॉक्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, अभी डिलीवरी नहीं होगी, और इसलिए कहकर बाहर निकाल दिया गया, जिससे प्रसूता की बाहर खुले में डिलीवरी हुई। जी योगेश, फिलहाल प्रसूता की स्थिति कैसी बनी हुई है? अभी तो स्थिति बरकरार है, सामान्य रूप से है, क्योंकि गेट पर उसने जन्म दिया है, डॉक्टर्स अस्पताल में भर्ती उन्होंने नहीं किया है, तो जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है वो उसको नहीं मिल पाया होगा। जी, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं मिला। उसके बाद ये खबर मिलने के बाद मंत्री लाल सिंह आर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी स्टाफ को फटकार लगाई और एसडीएम को एक दिन में पूरे मामले की जांच करने के लिए लगाया है। जी योगेश, अस्पताल प्रशासन का इस मामले पर क्या कहना है? अस्पताल प्रशासन का इसमें तो पूरा ही लापरवाही दिखाई दे रही है अस्पताल प्रशासन की, और उन्होंने सिर्फ यह कहकर टाल दिया था कि अभी टाइम है, उनको एक बहाना मिल गया। इससे पहले भी 4 दिन पहले भी रोन में इस तरह की एक प्रसूता ने खुली में बच्ची को जन्म दिया था, अभी इस तरह तब भी इसी तरह बाहर निकाल दिया था। जी योगेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश चौधरी हमारे संवाददाता भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि भिंड में यह मामला सामने आया है, जहां पर गर्भवती महिला जो थी वो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन जननी एक्सप्रेस नहीं उसको मिल पाई, जिसके बाद वो बाइक पर बैठ के हॉस्पिटल गई। वहां पर भी जो अस्पताल प्रशासन था उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया ये कहकर कि समय है, और उसने गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। और हमारे साथ यश यादव जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। नमस्कार जी। जी यश जी, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जननी एक्सप्रेस नहीं दी जाती प्रसूता को, कई तरीके की योजनाएं आती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हाल है कि गेट पर जन्म दिया है उसने। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आप भिंड की बात कर रही हैं, भिंड का प्रकरण जो आप बता रहे हैं, मुरैना में अगर किसी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है तो उसके लिए स्टैंड उपलब्ध नहीं है। भिंड से ही लगा हुआ मुरैना है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के भतीजे अनूप मिश्रा जी सांसद हैं और वरिष्ठ मंत्री भी वहां से आते हैं। भिंड भी इसी तरीके की स्थिति बनाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कल की घटना है कि डेंगू पूरी तरीके से फैला हुआ है। यहाँ प्लेटलेट्स ट्रांसफर करने की मशीन है, उसके लिए ट्रेंड स्टाफ नहीं है। जिन तो डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई थी उस मशीन को चलाने के लिए, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और नए की अभी तक व्यवस्था नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले छिंदवाड़ा की एक घटना थी कि वहां एक प्रसूता को ब्लड की जरूरत पड़ी थी तो उसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ब्लड उपलब्ध नहीं है। जब वो वहां सक्रिय दलालों से संपर्क किया गया तो उनको ब्लड उपलब्ध हो गया। इस तरीके की चरमराई हुई व्यवस्था मध्य प्रदेश में चल रही है स्वास्थ्य को लेकर के। अभी 6-8 महीने पहले इंदौर के अंदर की घटना है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल टोंग करके
गलत वादे करके, घोषणाएं करके, लोगों को बरगला करके वोट बटोरने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं, जो स्वयं वो भी हत्यारी सभा जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। उसमें भी एक पुलिस कांस्टेबल जो ड्यूटी पे थी उनको समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी यश जी, ये तो आपने चीजें बता दी कि ऐसा हुआ, लेकिन क्या वजह है कि अस्पताल प्रशासन जो है वो सरकार को मुंह चिढ़ाता है इस तरीके से? हर बार यही चीजें सामने आती हैं कि प्रसूता है, उसने बाहर जन्म दे दिया, या कोई भी इस तरीके का मामला सामने आता है। देखिए, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। ये केवल दिन भर चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव के प्रचार करना, योजनाओं का प्रचार करना, उनका ठीक तरीके से कैसे क्रियान्वयन होगा इस पे इनका कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं होता। ना इनके कार्यकर्ता जाते हैं, ना इनके नेता जाते हैं, ना ये अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। अभी आप जितने भी अधिकारियों से पूछेंगे वो अपनी मनमानी तरीके से रवैया अपनाए हुए हैं। आम जनता इतनी पीड़ित है कि वो शिकायत करे तो किससे करे, किसके सामने जाए। भोपाल के अंदर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है जो गैस राहत के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छा अस्पताल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के जो एम्प्लॉयज होने चाहिए, जो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए, वो सारे छोड़ के गए हैं, क्योंकि केंद्र और मध्य प्रदेश शासन में उसको टेक ओवर करने को लेकर के झगड़ा चल रहा है कि इसका संचालन कौन करेगा। तो इसी तरीके ये व्यर्थ है केवल चुनाव में, और चुनाव जीतना इनका मकसद रहता है, जनता को बरगला करके, जनता को दूसरी बातों में उलझा करके केवल चुनाव जीतना इनका मकसद है। जन सुविधाएं देने से इनका कोई वास्ता नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसकी तरफ इनकी कोई योजनाएं नहीं है। जी बिल्कुल यश जी, आप हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी बहुत धन्यवाद जी। पंकज जी, ये मामले हमेशा सामने आते रहे हैं अस्पताल प्रशासन में। अब आपको बता देते हैं कि प्रसूता जो है उसने गेट पर जन्म दिया है बच्चे को। कई योजनाएं होती हैं लेकिन फिर भी उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। इस तरीके से अस्पताल प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी करता है। क्या प्रतिक्रिया देंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक बड़ी योजना का प्रचार प्रसार बहुत जोर से करते हैं, जननी सुरक्षा योजना। तो ये कौन सी जननी सुरक्षा योजना है, मध्य प्रदेश की माता और बहनें जानना चाहती हैं। और शिकायत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही है कि मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद के बजाय जन क्षमा यात्रा निकाले, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में है, पूरे 7.5 करोड़ लोगों की, विशेषकर हमारी बहन बेटी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुष्कर्म की तलवार सदैव उनके सर पर लटकी है। मध्यप्रदेश दुष्कर्म में महिला अपराध में शीर्ष पर है, छेड़छाड़ की घटनाओं में शीर्ष पर है, शिशु मृत्यु दर में शीर्ष पर है, मातृ मृत्यु दर में शीर्ष पर है, कुपोषण में शीर्ष पर है। और यदि अब जननियों की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो कि अस्पताल के दरवाजे पर डिलीवरी हो रही हो, जहाँ दोनों माँ और बच्चे की सेहत की देखभाल की कोई जिम्मेदारी नहीं हो, संक्रमण का खतरा हो, और ऐसे में यदि मुख्यमंत्री 2.5 करोड़ के रथ पर बैठकर 20 फीट ऊपर से जन आशीर्वाद की बात करते हैं, तो बहुत लज्जाजनक और हास्यास्पद स्थिति है। और सरकार को शर्म आग्रह कर रहा था कि सरकार को थोड़ा शर्म करना चाहिए। और जितना पैसा मुख्यमंत्री जी अपने प्रचार प्रसार और पाखंड में खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा राजनीतिक स्वांग करने के बजाय मध्य प्रदेश के लोगों पर खर्च किया जाता तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं बनती जैसी गोहद में बनी है। और ये 14-15 साल की सरकार है, और पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे शिखा, तो पूरे मध्य प्रदेश में अस्पताल स्वयं बीमार हैं। जी पंकज जी, अभी हाल ही में जब जन आशीर्वाद यात्रा हो रही थी, संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने साफ तौर पर उनके लिए बजट भी दिया। उन्होंने कहा इतना पैसा, लगभग 6,000 रुपए प्रसूता जो है उसको दिया जाएगा, किट दी जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि वो चीज लोगों तक नहीं पहुंच पाती है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है बीच में। देखिए, का मुख्यमंत्री जी घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उन्होंने बहुत जोर से देखा कि 12,000 रुपए बाद में लड्डू खाने को दिया जाएगा, पर मुझे लगता है कि लड्डू खाना खिलाना से बेहतर ये होगा कि मुख्यमंत्री जी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं, उन पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी समस्या शिका इस मध्य प्रदेश में है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती। आज मैं और आप इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कल कोई और विषय आएगा उस पर बातचीत करेंगे, विपक्ष के नाते हम सवाल उठाएंगे, मीडिया के नाते आप सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार ने 14-15 साल शुरू। एक मिनट, आपने कहा विपक्ष के नाते हम सवाल उठाएंगे, सवाल आप उठाते हैं? जब चुनाव आने वाले होते किसानों का मुद्दा उठा लेते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुद्दा उठा लेते, इस तरीके के मुद्दे को भी उठाइए ना। देखिए शिका, खाली किसानों का मुद्दा या वोट बैंक जैसा विषय कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, और जो मुद्दे मध्य प्रदेश के आम आदमी के, उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं। विधानसभा की प्रश्नावली देखिए,
तो वहां आपको प्रतिपक्ष में कांग्रेस की ओर से ढेर सारे विधायकों के सवाल इस बात को लेकर मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो घोटाले हुए, आपको याद है दो दो तीन तीन जो हेल्थ के डायरेक्टर वो सस्पेंड हुए, जो अपना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसमें भारी घोटाला मध्य प्रदेश में है, और इन सबको विधानसभा में उठाया समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने, इसको लेकर आंदोलन भी किया। कांग्रेस जो भी आंदोलन करती है उसमें मध्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा हमेशा शामिल होती है, लेकिन लोकतंत्र में ये विडंबना है कि जो काम करना है वो निर्वाचित सरकारों को करना है, क्योंकि अधिकार शक्ति संपन्न और ताकत जो है वो सरकारों के पास में है। और जो मैंने आपसे निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि 6000 रुपए मिलेंगे, 12000 रुपए लड्डू के लिए अलग से मिलेंगे, आप लड्डू मुख्यमंत्री जी मत खिलाइए, और जो बुनियादी व्यवस्था उन पर ध्यान दीजिए और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई कीजिए। और इसीलिए फिर आग्रह कर रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इन ऐसे सारे मामलों के लिए बजाय जन आशीर्वाद के जन क्षमा यात्रा निकालें, अपनी दोष स्वीकार करें जी, और बिल्कुल सरकार की गलतियां उनको लेकर माफी मांगे जनता जी। बिल्कुल पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल है कि कई हजार रुपए प्रसूताओं के को देने का वायदा किया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं से अभी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। भिंड की खबर है, एक प्रसूता ने गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया है क्योंकि उसे बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई। जननी एक्सप्रेस उसके लिए वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाई, वो नहीं जा पाई, वो बाइक पर गई हॉस्पिटल और वहां पर भी उसको मना कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उसने गेट पर ही जन्म